ये वेजिटेरियन है और मैं पुलाव खाऊंगा इधर शायद अगर शिप 120 एच इट इज एक्सपेंसिव एंड दिस वन इज 25 25 दिस चिकन यस तो एग्जिट हो गया कजाकिस्तान से कुछ नहीं पूछा बस मेरे को पूछते हैं यहां पे दो पासपोर्ट क्यों तुम्हारे पास दो व्हाट इज योर नेम कीरा हाउ ओल्ड आर यू आई एम 18 70 लाख से भी कम पॉपुलेशन है इसका भाषा किर्गिज और रशियन यूज किया जाता है इंडिपेंडेंस मिला था 1991 में सो सिर्फ 150 रुपए में को मिल गया है ये राइड करने का मौका अपना इंडिपेंडेंस डे और क्योंकि हम लोग बिश्केक में मतलब एक कंट्री के कैपिटल में तो अपना इंडिया का एम्बेसी है ये अपनी बस है स्वागत है एक नए ब्लॉग में स्वागत है अपने 85 कंट्री कजाकिस्तान के अलमाती शहर में और हम लोग यहाँ से जा रहे हैं किर्गिस्तान किर्गिस्तान का वीज़ा कैसे लिया किर्गिस्तान का वीज़ा भी थोड़ा पंगा कर रहे हैं और ऑनलाइन वीज़ा है एक्चुअली $50 का पर $50 का इनविटेशन लेटर मांग रहे हैं तो $100 लग रहा है जाने के लिए तो थोड़ा महंगा सीन है इसी वजह से मैंने सिर्फ 5 दिन का वीज़ा लिया ट्रांजिट वीज़ा जिसमें कुछ नहीं मांगते बस सामने वाली कंट्री का वीज़ा मांग लेते हैं मेरे पास उज़्बेकिस्तान का ये वीज़ा है मैंने अपलोड कर दिया तो एक हफ्ते के अंदर $25 में 5 दिन का किर्गिस्तान का ट्रांजिट वीज़ा मिल गया है पहली बार ट्रांजिट वीज़ा यूज़ कर रहा हूँ किसी कंट्री का घूमने के लिए चलो चलते हैं और ये डेट टू डेट है तो आज कितना तारीख है जो भी आज का तारीख से लेकर 5 दिन तक मेरा वीज़ा वैलिड है और इसी 5 दिन का घूमना पड़ेगा आज का दिन तो पूरा वेस्ट हो गया सुबह निकलना था तो आज दिन का देख लेते पर कोई बात नहीं जितना हो सके कर लेंगे फिर कभी आएंगे चलो चले किर्गिस्तान में सबसे कैपिटल बिश्केक तो ऐसा है ना बस फटाफट चले और बॉर्डर पे पंगा ना हो जाए तो मज़ा आ जाए कजाकिस्तान के एक नए ब्लॉग में स्वागत है एक्चुअली कजाकिस्तानी हम लोग जा रहे हैं कजाकिस्तान से किर्गिस्तान सेंट्रल एशिया में जितने भी कंट्री है कजाकिस्तान किर्गिस्तान उज़्बेकिस्तान या फिर ताजिकिस्तान सबसे ज्यादा टूरिस्टिक शहर था अलमाती और फिर अलमाती से एक छोटी सी बस राइड लेके हम लोग पहुंच जाएंगे किर्गिस्तान की कैपिटल बिश्केक में वैसे जो ये जो एरिया है अलमाती के आजू बाजू या फिर किर्गिस्तान का ऊपर जहाँ पे ये लेक दिख रहा है ये बहुत ही खूबसूरत है यहाँ पे तो मैंने ज़्यादा हाइकिंग या फिर एक्सप्लोर किया है नहीं क्योंकि टाइम कम है मेरे पास वरना आप इस एरिया में एक दो हफ्ते आराम से इन सारी वादियों को सुंदर सनसेट सुंदर सनराइज रेनबो बहुत कुछ देख सकते हो बहुत मज़ेदार एक्सपीरियंस हो सकता है अगर आप हाइकिंग करते हो या फिर हिच हाइकिंग करते हो इन रोड्स में मैं ये सब नहीं कर रहा था मैं सीधा जा रहा था यहाँ से बिश्केक में जो कि था सिर्फ 400 किलोमीटर या फिर 6 घंटे का जर्नी बहुत ही सस्ता है 500 और फिर एक्सप्लोर करने वाला था मैं किर्गिस्तान 5 दिन के लिए रात के 10:30 बजे पहुंच रहा है तो मतलब बनता है तो एग्जिट हो गया कजाकिस्तान से कुछ नहीं पूछा बस मेरे को पूछते हैं यहाँ पे दो पासपोर्ट क्यों तुम्हारे पास दो पासपोर्ट क्यों है बाकी कुछ नहीं पूछा और अभी जा रहे हैं 86 कंट्री किर्गिस्तान में हो गई एंट्री अपनी 86 नंबर कंट्री में जो कि है किर्गिस्तान और ये भाई किर्गिस्तान की करेंसी इधर की सोम मैंने एक्सचेंज करा लिए 4000 सोम के आसपास मैंने एक्चुअली कजाकिस्तान के जो पैसे थे वही से मैंने एक्सचेंज करा लिया लोकल किर्गिस्तान सोम के लिए और मज़ेदार की बात बताऊँ एक सोम लगभग 1 रुपये है लगभग एक्चुअली 100 सोम का मतलब 95 रुपये है 96 रुपये तो रुपी थोड़ा स्ट्रॉन्ग है बट क्योंकि मैंने कैश एक्सचेंज कराया तो ओवरऑल पकड़ लेते हैं 1 सोम का 1 रुपये तो मेरे पास 4000 रुपये और आई थिंक 4000 रुपये 5 दिन के लिए काफ़ी हो जानी चाहिए अगर कुछ जगह पे कार्ड से पे कर सकूं और अगर नहीं कर सकूं तो कुछ और एक्सचेंज कराने पड़ेंगे कज़ाक के कुछ और पैसे बाकी है वहाँ पे सिम कार्ड भी लगा रखा था 250 रुपये में ले सकता था पर हड़बड़ी में नहीं ले पाया और अभी हम लोग वेट कर रहे हैं बस के लिए यहाँ पे शॉक तो भी कुछ गाड़ी इससे चल रही है कोलकाता कलकत्ता बिग सिटी बिग सिटी बिग सिटी
190 टेंगे का टैक्सी लेके तो हम लोग आ गए अभी सुपर मार्केट के आ गए ना, प्राइस देख के शांति मिल रही है क्योंकि 102 मतलब 102 रुपये तो मज़ा आ रहा है, कैलकुलेशन नहीं करना पड़ रहा है। हाउ मच? 120 एल्च। ओह, इट इज एक्सपेंसिव एंड दिस वन इज 25। 25। दिस चिकन? यस। ओके, दिस इज गुड। मोर मोर मोर। 2 इज गुड नाउ। एंड हाउ मच इज वाटर बॉटल? वाटर? बिग? बिग? 75। 75? ओके। 70 रुपए का पानी का। एंड 5 लीटर? एंड 2 लीटर? 2 लीटर? Egg, 30? Yes. Oh, expensive. No, thank you. No egg. One, free? One, free. Yes. For me? 30. 30, 30. No. Thirteen. Okay. No. Thank you. But it's okay. Good price. ये है छोटा सा हॉस्टल जहाँ पे मैं कल रात को आ गया था, और मज़ेदार बात यह है कि ये सिर्फ $5 का है, यानी कि 410 रुपए का, 410 रुपए इसको मैंने पकड़ा दिए और मैं रह गया था। अभी सुबह के 9:15 मैं निकल पड़ा हूँ, क्यों? आज है 15 अगस्त, आज है अपना इंडिपेंडेंस डे, और क्योंकि हम लोग है बिश्केक में, मतलब एक कंट्री के कैपिटल में, तो अपना इंडिया का एम्बेसी है और वहाँ पे मैं जा रहा हूँ सेलिब्रेशन करने। गलत बस ले लेता, गलती से समझ नहीं आता, सिम कार्ड नहीं लिया ना तो कौन सा नंबर क्या है पता नहीं। पर अच्छी बात है कि यहाँ पे जो अपना इंडियन एम्बेसी है सिटी के एकदम सेंटर पे, एकदम मेन चौकी पे, एक मेन इधर स्क्वायर है उधर ही है। वैसे बिश्केक बहुत ही छोटा देश लग रहा है, छोटा शहर लग रहा है मेरे को। किर्गिस्तान तो खैर छोड़ो, छोटा देश है ही, उसका कैपिटल भी छोटा ही है। वो है अपना एम्बेसी एकदम सेंटर में। अरे फ्लैग होस्टिंग के टाइम फ़ोन रख दिया था तो फ़ोन नहीं ले पाए, वीडियो नहीं ले पाया था, और अभी कुछ पैकेट मिल रहा है, कुछ पैकेट मिला है। बहुत ही प्यारा सा ब्लू कलर का ये चर्च दिख रहा है यहाँ पे। वैसे तो यहाँ पे भी मेजोरिटी अपना मुस्लिम ही है, जैसे बाकी के सारे स्थान में ही है हिंदुस्तान छोड़ के, पर यहाँ पे चर्च दिख गया खूबसूरत सा क्योंकि USSR के टाइम बहुत सारे रशियंस इधर आए थे और तब से बनाया शायद, ब्लू कलर का यूनिक सा सुंदर है। 145 सोम में ये सिम कार्ड मैंने ले लिया, इसमें मेरे को मिला है 8 GB डेटा और 5 मिनट का कॉलिंग, और 250 सोम में अनलिमिटेड मिल रहा था, पर ये सिर्फ एक हफ्ते के लिए वैलिड है, मैं यहाँ पे सिर्फ और 4 दिन हूँ तो मेरे लिए एकदम परफेक्ट है। जैसा कि बताया बिश्केक में कुछ खास है नहीं करने को, हर कोई चला जाता है नीचे। वाओ, फेरिस व्हील, जा सकते हैं ना फेरिस व्हील, कोई बंदी हो साथ में। राजा को बंदी नहीं मिल रही बहुत दिन से, छोड़ो
लोग जाते हैं इसी को लेक के उधर, जो कि साउथ में है, नहीं ईस्ट में है, उधर लोग ज़्यादा जाते हैं, वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। बाकी यहाँ पे तो कुछ खास है नहीं, पर कैपिटल देखना तो बनता है यार, हर दिन हर देश कैपिटल देखना बनता है। वो रहा बड़ा सा फ्लैग किर्गिस्तान का, लाल, बीच में से एक गोल्डन सितारा टाइप का कुछ बना हुआ है। अभी किर्गिस्तान के फ्लैग के शेड पे खड़े हैं हम लोग। अच्छा सा डिफरेंट सा फीलिंग लग रहा है, बढ़िया सा देश है। सिर्फ 70 लाख से भी कम पॉपुलेशन है इसका। भाषा किर्गिस और रशियन यूज़ किया जाता है। इंडिपेंडेंस मिला था 1991 में जब सोवियत यूनियन टूट गया था। और क्या है, किर्गिसोम यूज़ किया जाता है। बहुत ही सोवियत टाइप्स बिल्डिंग्स है क्योंकि सोवियत यूनियन का पार्ट था। पीछे पहाड़ है और क्या। असली लोग खड़े हैं, हाँ असली लोग ही खड़े हैं यहाँ पे, मजेदार सीन है। अभी हम लोग आ गए यहाँ का मेन अट्रैक्शन कह सकते हो, ओश मार्केट। पीछे पहाड़ है और इधर ओश मार्केट। शाम के 6:30 बज गए, हम लोग मार्केट में जाएंगे, अभी देखेंगे क्या मिलता है, कि नया मिलता है। चाचा गुस्सा हो गए क्योंकि मैं रास्ते पे खड़ा था, रोड ब्लॉक कर रहा था, ऐसा करना नहीं चाहिए। आप अब देख सकते हो ट्रैम की लाइन से, पर एक्चुअली ट्रैम्स नहीं है, ये बसेस है। ये वही बसेस है जो हम लोगों ने लिथुआनिया, लातविया, पोलैंड और यूक्रेन में भी शायद देखा था। बसेस के ऊपर ट्रैम के लाइन से और बसें चलती रहती है। बसेस है यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 1100 सोम में, यानी कि 11 रुपये। आज के दिन में तो मेरे कोलकाता में भी 12 रुपये हो गया है, तो कितना सस्ता हो गया है आपको क्या बताऊँ। अभी चलो चलते हैं और मार्केट देखते हैं। मेरे साथ है 18 साल की ट्रैवलर। What is your name? Kira. Kira. How old are you? I'm 18. देखो 18 साल से ट्रैवल कर रही है, आप लोग क्या कर रहे हो 80 साल में बैठ के। नहीं नहीं ऐसे बात नहीं है, उनको मौका मिलता है, इनका पासपोर्ट ईजी है तो आराम से ट्रैवल कर सकती है। आप लोग भी करो आराम से, कोई बात नहीं। बढ़िया सा बाज़ार है और मज़े की बात ये है ना, जो भी हम लोग प्राइस देख रहे हैं वो रुपीज़ के साथ एकदम मैच कर जाता है। ऑल्दो ज़्यादातर दुकान अभी बंद हो चुके हैं, एप्रिकॉट बिक रहा है सेम जैसा हम लोगों को उधर दिखा था तश्केन या फिर समरकंद में, वैसा ही है पर थोड़ा स्केल में बहुत ही ज़्यादा है। चीज़ें तो सस्ती लग रही है। काजू कितने का है पता करना पड़ेगा, क्योंकि काजू एक्चुअल में सोना है, हम लोग को खाना भी पसंद होता है और इंडिया में भी दाम ज़्यादा है। काशू कोलका 900। ओके यार 900 रुपये का काजू है, अपने उधर तो फिर भी 600-700 में मिल जाता है, तो खास सस्ता तो नहीं है। अभी तक मेरे को किसी ने कैमरा के बारे में कुछ नहीं बोला क्योंकि यहाँ पे सब चिल चलता है। 230 रुपये का चावल, महंगा है यार। ब्राउन राइस 200 का चावल, सब आप रेट देख रहे हो, महंगा महंगा है चावल तो, महंगा है। क्या चावल है, मोटा मोटा 180 रुपये का चावल, इधर महंगा है। ले लिया आई थिंक 60 रुपये का केजी है, अपने वहाँ पे कितना है पता नहीं। 3 सेब लिया, 3 सेब का 20 रुपये पड़ा, जो कि सही है और बहुत टेस्टी है, बढ़िया। यहाँ पे सेब खाओ यार, कजाकिस्तान किर्गिस्तान इधर बहुत अच्छे सेब मिलते हैं। तो हम लोग अभी मार्केट से निकल गए और अभी हम लोग जा रहे खाना खाने। ये वेजिटेरियन है और मैं पुलाव खाऊंगा इधर, शायद अगर शिप का मिले। इधर लगता है घोड़े का नहीं मिलता है, घोड़े का सिर्फ कजाकिस्तान में मिलता है या फिर पहाड़ों के साइड मिलेगा। देखते हैं क्या मिलता है, खाना खाते हैं और फिर करते हैं बिश्केक में। वैसे तो कुछ करने के लिए है नहीं, मार्केट दिखा दिया, मेन आपको फ्लैग दिखा दिया, और क्या दिखाना आप लोगों को, एम्बेसी दिखा दिया। सुबह आगे बढ़ते हैं।
रात को ऐसा दिख रहा है यहाँ का सेंटर। हम लोगों ने खाना वाना खा लिया और ये एक्चुअली एक म्यूज़ियम है। अंदर का टिकट सिर्फ 150 रुपये का है, शायद जा सकते हो। नॉर्मल सा स्क्वायर लग रहा है, बढ़िया सा। तो तशकंद जैसा इधर भी मेला लगा है और यहाँ पे मेला जो है ये आई थिंक डेली का है, मतलब ऐसा नहीं कि टेम्पररी है। जैसे तशकंद में था मैजिक सिटी उज़्बेकिस्तान में, वैसा यहाँ पे खुला में है। बहुत बड़ा फेरिस व्हील भी है, सब कुछ है और चीज़ें तो सस्ती लग रही है मेरे को, ज़्यादा महंगी नहीं होगी। मज़ेदार है यहाँ पे, देखता हूँ कितना होता है, करते हैं। पूरा अपना इमेजिन का टाइप का लग रहा है, छोटे राइड्स भी है बड़े भी है। सो सिर्फ 150 रुपये में, 300 रुपये में हम लोग को मिल गया है ये राइड करने का मौका। मज़ा आएगा। यस जस्ट वन राउंड। Let's see how long is it. Okay. अभी हम लोग ऊपर हैं पर व्यू कुछ खास नहीं है, बहुत ही बोरिंग सा है। वो फेरिस राइड तो बहुत ही बोरिंग था। अभी हम लोग वापस जा रहे हैं अपने हॉस्टल की तरफ। एक्चुअली मेरे को हर कंट्री में कैपिटल विजिट करना है होता है कम से कम 24 घंटे ताकि मैं बोल सकूँ हाँ मैं उस कंट्री को विजिट कर चुका हूँ। सिर्फ ब्राज़ील और टर्की का बाकी है, वो कर लूँगा। ब्राज़ील टर्की तो जाना रहेगा ही। फ़िलहाल यहाँ से निकलते हैं। मन तो था एक और दिन रुक सकते थे पर क्योंकि वीज़ा लिमिटेड है सिर्फ 5 दिन का। हेलो, तो फिर लिमिटेड वीज़ा के वजह से हम लोग फटाफट निकलते, कल एक और जगह जाएंगे। अभी तो 11 बज गए, ठंड है, 19 डिग्री टेम्परेचर है, तो बहुत ठंड है। 19 डिग्री टेम्परेचर में तो इंडिया में हम लोग स्वेटर जैकेट पहन लेते हैं। फिलहाल मैं निकलता हूँ, हॉस्टल जाता हूँ और कल सुबह फटाफट निकलेंगे अगले डेस्टिनेशन के लिए। यहाँ पे एक चीज़ यूनिक दिखाऊंगा, यहाँ पे 3 रुपये का कॉइन होता है। 3 रुपये का कॉइन बहुत यूनिक होता है, हर देश में नहीं मिलता है। मेरे को सिर्फ क्यूबा में मिला था 3 रुपये का कॉइन, मतलब 3 का कॉइन, और यहाँ पे मिल रहा है 3 का कॉइन। इसको मैं बचा के रखूँगा। Day 3, सुबह तो नहीं, दोपहर के 12 बजे आ गया हूँ मैं बस स्टेशन या फिर वॉकसाल। यहाँ से हम लोग को ट्रांसपोर्ट लेना पड़ेगा अभी। तो हम लोग आ गए वेस्ट बस स्टेशन पर और ये है सारे माशुकास। इसमें मैंने अपना बैग रख दिया, अभी पता नहीं कितना लेगा, शायद 400 लेगा या फिर 400 ही लेगा। यहाँ से इसी कुल लेके आजू बाजू में बहुत सारे गांव हैं, उनमें से कोई भी एक गांव पे जाने वाला हूँ साउथ में। दोपहर के तो अभी देर बज गए हैं और सुबह तो शाम हो जाएगी और कल शायद लेक का मज़ा लूँगा, पर आज सनसेट का मज़ा मिल जाएगा पक्का अगर ट्रैफिक जाम ना हो तो। मैं तो रिकमेंड करूँगा आप लोग सुबह सुबह आ जाओ। मैं पता नहीं रात को क्या कर रहा था हर बार की तरह।